देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पंजाब के मोहाली में विस्फोट, आतंकी हमले की आशंका। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित खुफिया विभाग के मुख्यालय पर सोमवार रात को रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड आरपीजी से ब्लास्ट किया गया। इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, मगर मुख्यालय के बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर के फ्रंट साइड में धमाका हुआ, जिसमें खिड़कियों से शीशे जरूर टूट गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली। उधर घटना के बाद पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी। हमले के कुछ देर बाद मोहाली जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आतंकवादी हमला नहीं है, मगर घटनास्थल पर गहन जांच के बाद जब मोहाली के एसपी रविंदर पाल से पूछा गया तो क्या इस आतंकवादी हमला माना जा सकता है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम इसकी जांच कर रहे हैं। दिल्ली के जांगीपुरी एसएचओ राजेश कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर एसएचओ अरुण कुमार को राष्ट्रपति भवन में ट्रांसफर कर जांगीपुरी का नया एसएचओ बनाया गया है। माना जा रहा है कि जांगीपुरी में जिस तरह से दो समुदाय के बीच बवाल मचाया और दिल्ली पुलिस की जमकर गिरगिरी हुई थी, तो उसी की गाज एसएचओ पर गिरी है। उधर अतिक्रमण की कार्रवाई को एनडीएमसी ने जायज ठहराया है। अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने जूस की दुकान के मालिक को नोटिस दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। गाजियाबाद में फर्नीचर कबाड़ के गोदाम में लगी आग। खोड़ा स्थित लेबर चौक के नजदीक दीपक विवाह में रविवार देर रात फर्नीचर व कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। लपटे आसपास के दो आग से गोदामों व मकानों का सामान जल गया। दहशत में लोग घर छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ पड़े हैं। धुएं से कई लोग बेहोश भी हो गए। इसी बीच नोएडा गाजियाबाद के जोड़ने वाले खोड़ा मार्ग पर हजारों लोग की भीड़ जुटने से जाम लग गई। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पाकर गाजियाबाद और नोएडा की पुलिस मौके पर पहुंची, पर हालत को नियंत्रित करने का प्रयास किया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रेप केस में मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की तैयारी। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोहित के खिलाफ रेप केस की जांच अब दिल्ली पुलिस भी करेगी। दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में सोमवार को रोहित के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया गया। जांच में महिला पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। इसमें पहले रविवार को सदर बाजार पुलिस थाने में 0 FIR दर्ज कर केस को सवाई माधोपुर महिला थाना भेजने का फैसला किया गया था, लेकिन आज पूरे मामले में नया मोड़। दिल्ली पुलिस सूत्रों से सेक्स ब्लैकमेलिंग मारपीट करने सहित गंभीर आरोपों में 7 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। मुजफ्फरनगर दलित पर 5,000 का जुर्माना और 50 जूते मारने का फरमान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर कुख्यात अपराधी रहे विक्की त्यागी के पिता राजबीर सिंह ने गांव में तुग लगी फरमान जारी कर दलित समाज के लोगों को खुलेआम धमकी दी है। गांव में मुनादी कराकर कहा गया कि अगर उनके खेत समाधि स्थल पर ट्यूबवेल पर कोई भी दलित समाज का व्यक्ति जाएगा तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना और 50 जूते मारने की सजा दी जाएगी। गांव में हो रही मुनादी का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव ने वीडियो देखते ही जांच के आदेश दिए। स्थानीय पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और प्रधान राजबीर सिंह और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया। बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक। दिल्ली के भाजपा नेता तजिंदर बग्गा केस की मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली और हरियाणा में पंजाब पुलिस के डिटेन करने पर बहस हुई। सुनवाई तकरीब सुबह 11 बजे शुरू हुई। दिल्ली पुलिस हरियाणा पंजाब सरकार के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पंजाब पुलिस चाहे तो इस दौरान दिल्ली में बग्गा के घर जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। बग्गा पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के बाद मोहाली के स्टेट साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर मिला विस्फोटकों से भरा बैग। नागपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस बूथ के पास जिलेटिन से भरा बैग बरामद हुआ है। आज इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र एटीएस की टीम एक नागपुर जा रही है। पुलिस को बैग के अंदर से जिलेटिन की 54 जिंदा छड़े बरामद हुए हैं। जिलेटिन का इस्तेमाल कानूनी तौर पर खदानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संदिग्ध बरामदगी के बाद अब जांच एजेंसी सतर्क हो गई है। ऐसी ही जिलेटिन की छड़े उद्योगित मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी एक स्कॉर्पियो से भी बरामद हुई थी। इस एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन के बाद में हत्या कर दी गई इस एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन के पास से हत्या कर दी गई और इस मामले में कई पुलिसकर्मी अभी जेल की सलाखों के पीछे। एनआईए आज इस मामले की जांच कर रही है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक। हाई कोर्ट इलाहाबाद में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश
की जाने का आदेश दिया गया था। मंगलवार को हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट NBW पर रोक लगा दी। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक मुकुल रोहतगी ने बहस की है कि सुप्रीम कोर्ट ने NBW पर रोक लगाते हुए मामले की पूरी सुनवाई बुधवार को करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने अवमानना का मामला होने के बाद इलाहाबाद के हाईकोर्ट की बेंच ने बीते 6 मई को ऋषि महेश्वरी के खिलाफ NBW जारी किया था। हाईकोर्ट ने कोर्ट में न पेश होने पर नाराजगी जताते हुए अगली तारीख 23 मई को पुलिस कस्टडी में पेश किए जाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ISS ऋतु महेश्वरी समेत UP सरकार में हड़कंप मच गया। सरकार की तरफ से कोर्ट में NBW निरस्त किए जाने पर प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। सकी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में फिलहाल गिरफ्तारी पर ऋतु महेश्वरी को राहत मिल गई है। बुमराह का लाजवाब प्रदर्शन। मुंबई इंडियंस की तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को साबित कर दिया है कि चैंपियन खिलाड़ी हमेशा चैंपियन ही होते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के पास जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों का कोई जवाब नहीं था। बुमराह ने KKR के सामने अपने IPL करियर के सबसे शानदार स्पेल डाला। उन्होंने 4 ओवर में एक मैडन फेंका। इस दौरान महज 10 रन देकर बुमराह ने 5 विकेट झटके। IPL में पहला मौका जब बुमराह ने एक पारी में 5 विकेट लिए। बुमराह ने पारी का 18वां ओवर बेहद शानदार अंदाज में डाला, जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखें। तेज गेंदबाज ने इस ओवर में 3 विकेट लिए और एक ही रन खर्च नहीं किया। इस विकेट मैडन ओवर रहा। सेलिब्रिटी फुटबॉल कप 2022। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फुटबॉल खेलने से पहले उन्हें देखकर फैंस चीयर करने लगते हैं। दरअसल रणवीर फुटबॉल के काफी शौकीन हैं। हाल ही उन्होंने दुबई में सेलिब्रिटी फुटबॉल कप 2022 का मैच खेला, जिसमें उनके साथ कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन, डीनो मौर्य, करण वाही और डायरेक्टर सुजीत सरकार सहित दूसरे सेलिब्रिटीज थे। वीडियो में टीम के सभी मेंबर्स लाइन से खड़े होते हैं। जैसे ही रणवीर आते हैं तो उन्हें देखकर फैन शेयर करने लगते हैं। वहीं एक फैन चिल्लाती है रणवीर आई लव यू, जिसके बाद रणवीर पलट कर उनकी ओर देखते हैं और उन्हें आगे का सभी फैंस काफी खुश हो जाते हैं और तेजी से उन्हें शेयर करने लगते हैं। ये सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।